30 अप्रैल 1987 रोहित शर्मा का जन्मदिन। सबसे पहले रोहित शर्मा को दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन उनको मुबारक हो और वो अपने करियर को बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल बनाते रहे और अब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। दोस्तों रोहित शर्मा के बारे में हमने दोस्तों कई बार सुना है, सोशल मीडिया पर वायरल होते और दोस्तों ग्राउंड पे हमने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है। एक विस्फोटक बल्लेबाज और बतौर ओपनर उन्होंने अपना करियर इतना अच्छा खासा बनाया है कि, लेकिन वो एक दौर था जहाँ पे रोहित शर्मा को 5 या 6 नंबर पे बल्लेबाजी करनी पड़ती थी, तब वो पूरी तरह फ्लॉप होते थे, कई बार अच्छे खेलते थे, लेकिन उनका टैलेंट, उनका हुनर पहचाना महेंद्र सिंह धोनी ने और उनको एक बार ट्राई किया जहाँ पे एक सीरीज़ में उनको बतौर ओपनर खिलाया, लेकिन वहाँ पे पूरी तरह फ्लॉप हो गए। लेकिन उसके बाद उनको फिर से नीचे बल्लेबाजी करने भेजा और फिर एक बार माही को लगा कि इनको और एक बार चांस देके देखते, और उनका करियर ऐसा सक्सेस हुआ दोस्तों बतौर ओपनर, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और रोहित शर्मा के नाम से जाने वाले दोस्तों और सिक्सर किंग भी उन्हें कहा जाने लगा, क्योंकि उनके लंबे लंबे छक्के और विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है लंबे लंबे छक्के जड़ने के बाद उन्होंने 3 बार अपना 200 रन का टारगेट भी पूरा किया, क्योंकि 3 बार दोस्तों उन्होंने 200 का आंकड़ा भी बना दिया। ऐसे ही बल्लेबाज दोस्तों यूं ही नहीं, उनको रोहित शर्मा कहा जाता, क्योंकि गरीबी से उभर कर आने के बाद उन्होंने दोस्तों आज है करोड़ों के मालिक। और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले रोहित शर्मा कई बार अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं और बड़े फॉर्मर क्रिकेटरों का रिस्पेक्ट भी करते हैं, और टीम में कई बार उनको अच्छी खासी जिम्मेदारी कप्तानी उपकप्तानी भी सौंपी गई और उन्होंने अच्छा खासा वो पूरा अपना वर्क किरदार निभाया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।